गेमर्स आ जाओ, क्योंकि इन्फिनिक्स से आ चुका है इन्फिनिक्स का एक न्यू फोन इन्फिनिक्स 030। उससे मेरा क्या फायदा? अरे बताता हूँ, ये फोन ना वन ऑफ द बेस्ट फोन होने वाला है वैल्यू फॉर मनी। इस फोन के अंदर आपको 12 GB रैम और 256 स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी मात्र 25,000 रुपीज के अंदर यार। बाबा। और आज तुम्हारा भाई इसके अंदर गेमिंग टेस्ट करने वाला है कि आप इसके अंदर फ्री फायर पबजी वगैरह जितने भी बैटल ग्राउंड गेम है उनको आप खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते। अगर आपको भी गेमिंग टेस्ट देखना अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसा गेमिंग टेस्ट नहीं करते जैसा और यूट्यूबर करते हैं। हम लोग पूरी स्पेसिफिकेशन की और लाइफ टाइम की बात करते हैं जिससे हम फोन को ज्यादा से ज्यादा चला सकते हो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? यार मैं तो इसी चैनल पे था पर लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ भटक रहे थे। तो अभी तो कह रहा हूँ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन वो भी आपको पता चल जाएगी। तो फटाफट से ज्ञानी बाबा को सब्सक्राइब कर लो, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फोन के अंदर आपको 6.71 इंच का एक कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इस रिफ्रेश रेट पे आप अच्छी से अच्छी गेमिंग कर सकते हो। तो इस वाली बी डिस्प्ले के अंदर आपको गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और इस डिस्प्ले के आप कलर वगैरह भी देख सकते हो जो काफी अच्छे लग रहे हैं यार। क्या बात है, असली गेम तो अब शुरू होगा, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जिसका अंतत्व स्कोर 7 लाख से भी ज्यादा है। इस प्रोसेसर के अंदर आप फ्री फायर पबजी को काफी हाई सेटिंग में खेल सकते हो, वो भी चुम्मा यार, और वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कर सकते हो। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, कसम से इस फोन के आगे सारे फोन को झुक के रहना पड़ेगा। ये फोन अकेला मर्द है और सब तो हिजड़े हैं यार। और इस फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको 4 से 5 घंटे नॉनस्टॉप गेमिंग करा देगी। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस फोन के अंदर आपको 68W का एक फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 20 से लेकर 23 मिनट के अंदर आपके फोन को पूरा चार्ज कर देगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? और इस फोन के अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग देखने के लिए मिल जाएगी, पर लेकिन यार मुझे एक चीज बहुत बेकार लगी, इस फोन के अंदर यार 3.5mm का गड्ढा नहीं है यार। सही लेंगे थोड़ा सा। अरे और इस फोन के अंदर आप वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो 6nm पे बेस्ड है। तो आप इसके अंदर फ्री फायर पबजी वगैरह विदाउट लैग के खेल सकते हो, वो भी हाई एंड सेटिंग पे। और इस फोन के अंदर आपको IP53 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपका फोन अगर पानी यानी कि चीटे चीटे आते तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और अगर आपके फोन पे डस्ट वगैरह या धूल वूल आ जाए तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपके फोन के अंदर। और आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आपको एंड्रॉइड 30 में देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी के साथ इस फोन के अंदर आपको 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करते हैं इस फोन के स्पीकर के बारे में, तो गाइस इस फोन के अंदर आपको डबल स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफी लाउड है और जो काफी अच्छी बात है। बात करते हैं क्या ये फोन एक वैल्यू फॉर मनी है, पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस फोन का जो कैमरा है भाई वो काफी ज्यादा मस्त कैमरा है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्फी वाला कैमरा है ना वो आपको 50MP का देखने के लिए मिल जाता है, और जो आगे जो कैमरा है उसमें आपको 105MP का शायद कुछ करके कैमरा है, और 8MP का एक डीप और 2MP का एक सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये जो फोन है ना भाई, ये कैमरे के नाम में यार बहुत बेस्ट फोन है यार, क्योंकि इसका मैंने कैमरा रिव्यू देखा था, तो ये फोन ना गेमिंग के साथ यार कैमरा फोन भी बहुत अच्छा है, और इसके अंदर आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट भी और बैक भी भाई, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप बात करते हैं क्या ये फोन एक वैल्यू फॉर मनी फोन है या फिर नहीं है। गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये फोन कोई और कंपनी बनाती यानी कि जैसे कि रियलमी रेडमी, तो इस फोन की कम से कम प्राइस होती गाइस 35 से लेके 40,000 रुपीज तक भाई। तो मतलब सोच सकते हो ये फोन कितना वैल्यू फॉर मनी है, ये जो है आपको 25,000 के अंदर ये फोन देखने के लिए मिल जाता है। और बहुत से लोग पूछेंगे भाई इसके अंदर गेमिंग कैसी है, भाई देखो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है, और आपको इसके अंदर भाई 12 GB की स्टोरेज और 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज देखने के लिए मिल जा रही है। तो इसके अंदर आप वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कर सकते हो, हाई सेटिंग में फ्री फायर पबजी को खेल सकते हो विदाउट लैग के। अगर आप BGMI को प्ले करते हो तो आप 60fps पे खेल सकते हो, और पबजी को 90fps पे खेल सकते हो, और फ्री फायर वगैरह और जितने भी बैटल ग्राउंड गेम है आप इसमें सारी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन होने वाला है मेरी तरफ से, मैं इसको भाई 5 में से 5 स्टार दूंगा, क्योंकि ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर आप लोग बताना आपको ये फोन कैसा लगा। देखो मेरी तरफ से ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है, अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो 25,000 के अंदर तो यार बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग एक 15,000 के अंदर एक अच्छा गेमिंग फोन लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।